तो अगर तुम्हें माइनक्राफ्ट के बारे में थोड़ा बहुत भी पता होगा तो तुम्हें ऑलमोस्ट माइनक्राफ्ट के सारे मॉब्स तो पता ही होंगे। लाइक अगर तुम थोड़ा बहुत भी कंटेंट देखते हो माइनक्राफ्ट का तो हाँ तुम्हें सबके बारे में पता होगा। बट फिर आते हैं माइनक्राफ्ट के कुछ ऐसे मॉब्स, या मैं कहूँ माइनक्राफ्ट के कुछ ऐसे एंटिटीज जिनके बारे में सिर्फ हमें तो छोड़ो माइनक्राफ्ट तक को नहीं पता है। एंड आज हम उन्हीं एंटिटीज में से एक एंटिटी की माइनक्राफ्ट क्रीपी पास्ता स्टोरी देखेंगे, डिट्टो सेम उसी इंसिडेंट की तरह जो एक्चुअल इंसान के साथ हुई है। एंड आज हम देखेंगे द डेड रॉक एंडरमैन की कहानी। तो तुम्हें माइनक्राफ्ट का एंडरमैन पता ही होगा, लाइक वो बहुत ज्यादा पहले से ही बहुत ज्यादा डरावना लगता है लोगों को। एंड मैं सच बता रहा हूँ, जब मुझे नया नया माइनक्राफ्ट के बारे में पता चला था मुझे बड़ा डरावना लगता था वो। बट यार कुछ लोगों को एक डिफरेंट तरीके का एंडरमैन दिखा था। एंड इस एंडरमैन की सिर्फ 3 या 4 साइटिंग हुई है जिनमें से एक अभी हम साथ में देखने वाले हैं। सो यस, सिट बैक, रिलैक्स एंड आओ देखते हैं द क्रीपी पास्ता ऑफ डेड रॉक एंडरमैन। ओके यार मैं तुम्हें ये बताना भूल गया था। तो यस, इस एंटिटी की सबसे पहली रिपोर्ट जिस माइनक्राफ्ट यूजर ने की थी उसका नाम था क्रिप्टिक मॉर्बिड। एंड यार उसने एग्जैक्ट डिटो पॉइंट टू पॉइंट चीजें बताई है जो कि हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो रात के 12 बज रहे हैं ऑलमोस्ट, क्या बज ही गए हैं 20 मिनट में। बड़ा गलत टाइम है भाई ये देखने का। मुझे पता है माइनक्राफ्ट है, बट अभी तुम्हें पता लग जाएगा इनको क्रीपी पास्ता स्टोरीज क्यों बोलते हैं। ऑलराइट, हियर वी गो, द स्टोरी अनफोल्ड्स, लेट्स गो मैन। ओके, केव में टीएनटी पूरा केव टीएनटी से भर दिया इनने। इसका एक दोस्त भी है जिसका नाम है टाई किंग चैड। एंड ये लिख रहा है के लेटर रिप। ओके, वो बाय बोल के भाग रहा है काइंड ऑफ। यस, उसको रेस्ट इन पीस बोल के जा रहा है वो। अरे भाई ये क्या करतूत कर रहा है ये, डोंट टेल मी पूरा फोड़ने वाला है इसे। फोड़ने के लिए लगाया, फोड़ दिया, नाइस। ब्रो द साउंड इफेक्ट पीछे से जो भी वो वाटर ड्रॉपलेट वाला आ रहा है। बाय द वे मैं तुम्हें एक चीज बताना भूल गया, ये जो एंटिटी है दिस इज वन ऑफ द क्रीपीएस्ट एंटिटी ऑफ माइनक्राफ्ट। मेरे को इसके ज्यादा डीप में जाना नहीं है, बस मैं तुम्हें इतना बता देता हूँ इसकी साइटिंग जितनी बार भी हुई है सेम स्पॉट पे हुई है ऑलमोस्ट। लाइक जहाँ पे माइनक्राफ्ट का ऑलमोस्ट बेडरॉक स्टार्ट हो जाता है ना उसके सेम कोऑर्डिनेट्स पे हुई है। अब ऐसा कहा तो गया है, आई डोंट नो द रियलिटी, लेट्स कंटिन्यू। वन ऑफ द क्रीपीएस्ट माइनक्राफ्ट एंटिटी। ओके, वापस आ गया। Fantastic job, man. We can mine out this whole tunnel. Oh, wow. Now you are praising him. अभी तो तू बाय बोल के भाग रहा था। ओके, अभी माइन करने का प्लान बना रहे हैं, आई मीन ऑब्वियसली। लेकिन इतने नीचे क्यों आया माइन करने, इनमें दिमाग नहीं है ना, इसे टूल भी यहीं पे बना रहे हैं। ओ भाई, चोखा सामान इकट्ठा करने का प्लान है इनका तो। बड़ी चेस्ट बना ली इन्होंने एंड माइनिंग करनी चालू। ओके, एवरीथिंग इज फाइन टिल नाउ। ओ फंदे को डायमंड वगैरह भी मिल गए, नाइस। भाई कुछ तो होने वाला है। क्या एक दूसरे को भी देख रहे हैं? आई हैव एलोंगेटेड द टनल। ओ भाई इतना कर लिया इनने, लुकिंग प्रीटी गुड नाउ, नाइस यार। टाई किंग चार्ट तो मस्त है। स्टिल मेनी रिसोर्सेज टू माइन आउट ऑफ वॉल्स। एग्जैक्टली, इतना सब कुछ बचा हुआ है, तुम क्या कर रहे हो यार, माइन क्लीन करने पे बैठे हुए बस तुम। एंड द अदर टनल इज टू लॉन्ग, यू फिनिश विद टीएनटी। यस वी आर ऑल आउट। अच्छा टीएनटी भी खत्म हो गया इनका, आई थिंक सो इनमें से एक ऊपर जाने वाला है। सो लेट्स फिल चेस्ट्स विद स्टफ। ओके, इनका प्लान है पहले चेस्ट फिल कर लें, देन वील प्रोबेबली यूज मोर टीएनटी टू मेक प्लेस बिगर। अरे भाई इनका तो यहीं पे कस्बा बसाने का प्लान बन गया। तुम्हें सबसे, तुम लिटरली माइनस में हो गए। नहीं, उस टाइम पे माइनस में नहीं थे, आई मीन ये 64 पे, क्योंकि उस टाइम पे वो वाला अपडेट नहीं आया था। बॉय आई एम ग्लैड वी केम टू माइन नियर बेडरॉक, व्हाट इज द पॉइंट, तुम्हें 3 ही डायमंड मिले। ओपनिंग अप दिस प्लेस वॉज द बेस्ट थिंग वी डिड ब्रो, really so much easier to find resources, that is true, but I don't think so this was the pretty good idea. इन्हें नहीं पता था क्या होने वाला है। भाई creepy pasta वाले ने ना कोई कसर नहीं छोड़ी sound effects के साथ। मैं रात के 12 बजे देख रहा हूँ ये, साउंड इफेक्ट जरूरी नहीं है, ज्यादा वही डराते हैं। कमेंट करना जरा तुम कितने बजे देख रहे हो ये वीडियो, मेरे को पता चले थोड़ा सा। ओके, ऑलमोस्ट सारे रिसोर्सेज खत्म है, बस कोल बचा है। एंड ये भी नहीं छोड़ने वाले ये, टिल नाउ इट्स प्रीटी नॉर्मल। ब्रो काफी अनयूजुअल जगहों पे कोल नहीं मिल रहे इन्हें। व्हाट, क्या चीज देख रहे, दिस हॉलवेज इज प्रीटी मच माइंड आउट। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, सब कुछ खत्म कर दिया तुमने ब्रो, तुमने बहुत। अबे यार इतने रिसोर्सेज पड़े, तुमने क्या माइन किया है? ऑलराइट, कम हेल्प मी आउट हियर, ऑलरेडी किल्ड 2 ज़ॉम्बीज, लेट्स लाइट अप एंड माइन। अब उनका बड़ी जगह माइन कर। मुझे साइड में कोई आवाज आई, मैं थोड़ी सी आवाज तेज कर रहा हूँ, बस मैंने रिस्क ले लिया आवाज तेज करने का। टेक द गोल्ड मैन, लुकिंग गुड। के
ब्रो आई एम सॉरी, मेरे को एक मोमेंट लेके बोलने दो इस चीज को। के इज द मोस्ट डिसरेस्पेक्टफुल रिप्लाई यू कैन गिव टू एनीवन। के मत बोला करो, या तो रिप्लाई मत दो या तो ओके लिख दो। मेरे को बड़ा बेकार लगता, गुस्सा आता, मन करता स्क्रीन के थ्रू मार दूं। अब सारे मेरे को पता है कमेंट्स में के लिखने लग जाएंगे। नाइस यार। आई मीन अगर कोई रिप्लाई करता, मैं तब की बात कर रहा हूँ। आई विल माइंड दिस प्लेस आउट सम ओके। के आई गो ड्रॉप ऑफ रिसोर्सेस। ओके एग्जैक्टली, थैंक यू टाइकिंग चैट, यू आर द रियल चैट। ब्रो होल्ड अप, तुम्हें मेरे हाथ कांपते हुए देख रहा होगा। दैट वॉज नॉट वट आई वॉज एक्सपेक्टिंग। मैं जस्ट तारीफ कर रहा था चैट भाई की, एंड सामने द मोस्ट क्रीपीएस्ट माइनक्राफ्ट एंटिटी। इसको ध्यान से देखने दो थोड़ा। ब्रो क्या इसका मुंह खुला हुआ है? ओह नो, ये कितना डिस्टॉर्टेड सा लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है किसी अलग ही रैलम का होगा। ओके लेट्स सी इनके साथ आगे क्या हुआ था। छिप गए। एक तो जब तुम्हारा दोस्त होता है ना तुम्हारे साथ माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में, एग्जैक्टली, तो तुम्हें ऐसे लग रहा होता है कि कुछ ना कुछ तो प्रैंक। वो व्हाट? पर उसके पीछे वॉल थी और वो गायब भी हो गया और पीछे इतनी बड़ी टनल बन गई। डूड सॉ समथिंग डाउन आवर टनल, वी आर नॉट अलोन। व्हाट रियली? आई एम कमिंग टू सी, आई कैन सेंस इट डाउन दिस टनल। Yes, I will investigate. Chad भाई no. How about no? Chad भाई ऐसा नहीं करते। I know you are the real Chad, but don't do this, please. Ah no, this place is giving bad vibes. Dead end and nothing here. But I'm pretty sure मैंने wall देखी थी यहाँ पे। I'm pretty sure. या तो डर के मारे मुझे कुछ भी दिख रहा है। I don't know. You are seeing things. I told you, दोस्त को लगेगा ही नहीं। Stop bothering and go back to work. Exactly. दो दोस्त साथ में तो कोई किसी को सीरियस नहीं लेगा। This is the worst part. But I swear I saw something. He won't believe you, दोस्त। उसको अपने साथ रख। Best idea is this. This is not feeling good. Bro, did I really get jump scare from Minecraft entities now? भाई मेरे को क्या होता जा रहा है धीरे धीरे। ओके आई एम टेलिंग यू, ये सिर्फ साउंड इफेक्ट्स और टाइमिंग की गलती है। मैं गलत टाइम पे और गलत साउंड इफेक्ट के साथ देख रहा हूँ इसे। पता नहीं तुम में से कौन डरा होगा, यानी हंसी आ रही होगी तुम्हें मेरे ऊपर। मैं इससे क्यों डरा यार? तेरी ऐसे की तैसी पियानो, अभी नहीं सुनना मुझे। डूड सॉ इट अगेन। ओह नॉट अगेन ब्रो, उसको अपने साथ रख ले। चैट भाई को अपने साथ रख ले। इज कमिंग। ओह अच्छा वो आ रहा है। मेरे को लगा इस भाई के पीछे आने लग गया वो। व्हाट नाउ? आई सॉ इट अगेन बट इट वॉज राइट बिहाइंड मी। ही वोंट बिलीव यू। व्हाट्स योर नेम? परसे माइनर। मैंने अभी नाम नोटिस किया इसका। ओह लेट्स गो लुक अगेन। यहीं पे दिखा था भाई। क्या भग के आ रहा था वो। दैट वॉज अनएक्सपेक्टेड भाई। मेरे दिल में दर्द हो रहा थोड़ा थोड़ा। एक तो बड़ी अनएक्सपेक्टेड चीजों पे होता है। डू नथिंग हेयर बट आई स्वेयर आई सॉ इट। You've been acting strange lately. Seeing things. Don't believe me, bro. I'ma slap the shit out of you. Lick de. Maybe you have fear of deep places. Bro, maybe he has... Dekhe gaane baja rahe ho tum. Maybe you shouldn't mine deep in Minecraft. Lick raha bas wo. भाई ये परसे माइनर की फट रखी है, तू उसको सलाह दे ही जा रहे हैं। ऊपर बिठा के आ जा उसे घर पे। इट कैन गेट स्केरी टू दोज हु आरंट रेडी फॉर दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। अच्छा तू ज्यादा चैट बन रहा है अपने आप को। बट आई एम रेडी। यू रेडी फॉर व्हाट? व्हाट आर यू गाइस टॉकिंग अबाउट? हेलो दिस इज यू नॉट मी। क्या बैठा है?
figure it out yourself. Stop bothering me. उसने बोल दिया मेरे को बुलाइयो ही मत, कुछ कुछ भी हो जाए खुद ही देख ले. She is sorry. Just leave me alone. Oh no, now the real thing starts. I can sense it, bro. This feels like a horror movie. Minecraft horror movie. I mean it is, kind of. Bro, what? But I was so sure it was there. भाई उससे लिखा भी नहीं जा रहा, वो डर गया इतना. टाइपिंग करने में दिक्कत हो रही है उसे. चैट भाई रिप्लाई नहीं कर रहे. के मे बी यू आर राइट, मे बी आई शुड गो बैक टू द सरफेस. तुझे अब ध्यान आ रहा है इस चीज़ का? बंदे को जाते वक्त भी रेडस्टोन लेने हैं. आई एम रेडी फॉर अनदर जंप स्केयर. आई नो. भाई कितना गंदा एंटिटी है. ब्रो दिस इज द वर्स्ट एंटिटी जो मैंने अभी तक देखा है माइनक्राफ्ट का. भाई कैसे देख रहा है? ब्रो इज क्राइंग, द एंटिटी इज क्राइंग. Oh no. पता क्या, आई एम नॉट यूज टू सी दीज काइंड ऑफ थिंग्स. मेरी प्यारी माइनक्राफ्ट में ऐसा मत करो यार. मेरे को अकेले माइनक्राफ्ट रिकॉर्ड करने में डर लगा करेगा. मैं अकेले ही खेलता हूँ भाई, मेरे साथ तो कोई दोस्त भी नहीं है खेलने वाला. सच्ची में मैं सिर्फ वीडियो के लिए नहीं बोल रहा हूँ ऐसा, सच्ची में तुम्हें पता ही होगा. Now he's not there. तू इतना डेयरडेविल कैसे बन रहा है भाई? तू ऊपर कैसे जा रहा है? मैं तो माइनक्राफ्ट डिलीट करके सो जाता कंबल ओढ़ के, बैकग्राउंड में हनुमान चालीसा प्ले करके. अभी रिकॉर्डिंग के बाद मैं क्या मतलब वही करने वाला हूँ. ब्रो अब तो हिल भी रहा है. ओह नो ब्रो, उस वक्त इनके दिमाग में क्या चल रहा होगा. बट वाई डू यू वॉन्ट टू लुक एट इट? भाई भागना वहां से, मुझे कभी नहीं समझ में आता इन चीज का. प्रॉब्लम के पास क्यों जाना है? रियल लाइफ में गोल बना लो, प्रॉब्लम से भागो ना अगर सॉल्व नहीं कर सकते तो. सिंपल रूल बट फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, अगर नहीं होता तब भागो. ये प्रॉब्लम को तू कैसे सॉल्व करेगा? डिलीट करके. तो भागना ही हुआ, देख लिया. ओह नो भाई इसके पास आ रहा है. चैट पे चल जा भाई तू. एक तो इसने एम्बिएंट म्यूजिक बजा रखा है. डूड इट्स कमिंग. ओके नाउ इसने लिखा इट्स कमिंग. ओ व्हाट नाउ यू इडियट. भाई प्लीज इसको दिख जाए, चैट भाई को दिख जाए. मैं तो कह रहा हूँ चैट भाई के पीछे आ जाए एकदम से. आई टोल्ड यू जस्ट स्टॉप इट. अरे चैट भाई वो सच बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो. आई एम सो फेड अप विद यू. अरे यार चैट भाई तुम ऐसे क्यों कर रहे हो उसके साथ यार, वो इतना अच्छा बच्चा है. Now I'm going back to the surface. अबे तू जा रहा है अब surface पे. Bro please चैट भाई को दिख जाए, चैट भाई को दिख जाए. Please, चैट भाई को दिख जाए. नहीं दिख रहा bro, जगह पे नहीं अपने. भाई मैं ऐसे खत्म कर रहा हूँ और मैं भाग रहा हूँ यहाँ से. लूजर. मैं आगे नहीं पढ़ पाया. क्या था? मेरे को पढ़ना है ब्रो. क्या लिखा तूने? किसको लूजर बोला है? लूजर जस्ट लाइक आई सेड नथिंग हियर. अरे चैट भाई तुम्हें दिखेगा अभी, रुक जाओ. प्लीज चैट भाई को दिख जाए भाई, मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी. थैंक यू सो मच. क्यूटी लग रहा है लेकिन मैं अपने आप को सहानुभूति दे रहा हूँ ये बोल के. भाई वो अकेला लग रहा है, उसको दोस्त बना लो यार. उसके हाथ पैर पे खून लगा हुआ है, वो छुप गए. ओह नो भाई, आई कांट एक्सप्रेस दिस फीलिंग. ये बहुत डरावनी फीलिंग होती है. ओ एग्जैक्टली, तुम टैकल कर सकते हो ऐसे एंडरमैन को. तो इन्होंने यही दिमाग लगाया होगा, सिर्फ दो ब्लॉक माइन करो एंड क्या निकलने का प्लान है. हरी भाग रहे हैं ब्रो, भागो. नो नो दिस चेज भाई, एड्रेनलिन रश. अरे तू पीक क्यों ले रहा है? तू भाग ना. ओके इन्होंने ऊपर तक का रास्ता बना रखा था. चलो इतना तो दिमाग है इनमें. पहुंच गया. बंद कर दो. टू फ्रेंड्स बेस्ट माइनक्राफ्ट, दैट्स इट. आई थिंक वी आर सेफ. ब्रो इनको इतना क्या मन करता है इनको इतना पंचायत करने का? आई डोंट सी थिंग कमिंग अप. क्या मैंने गलत पढ़ा है, इसने गलत लिखा है? दिस माइनक्राफ्ट इज डन फॉर. डूड
close it up. Exactly, that's what I'm saying. बंद करो इसे. एंड स्टोरी क्रीपी पास्ट वाले को दो, फिर वो बनाएगा, फिर उसे एक बिक्सू नाम का इंसान देखेगा. Our work is not done. It has only begun. हैं? We need to tell everyone. तो इन्होंने एक गोल बना लिया अपने. Tell the whole world. Tell everyone. Bro, अगर मेरे साथ भी ये हुआ होता ना, मैं तो यही डिसाइड करता सबसे पहले कि मेरे पास जो भी एविडेंस है मैं बताऊं जाके सबको. Look at the bedrock. Keep looking. There is something that lives down there in the deep. That's crazy, no? Thank you so much. And we must tell the whole world. That was his last message. Okay, we are done with this. I think so, I'm going. So yeah, that is it for today's creepypasta. This was the worst. मैं 12 बजे कभी नहीं देखूंगा ये सब चीजें. And yeah, that is it for today's video. Wait for the next one. Till then, peace out. Ha ha. Yeah. बीट पे गदर मचेगा खटेगा ये पिज्जा सब में बटेगा बनेगा सीन जो तूने ना देखा बोलेगा आई स्वेयर चल जाने दे बेटा अरे बस कर भाई.